Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4. हम लोग सीख रहे हैं method of transformation. और method of transformation में एक type के question हम सीख चुके हैं, जिसमें function को कैसे transform करना है, जब sin square function x हो, जब cos square x हो, जब tan square x हो, जब sec square x हो, या sin cube x हो, cos cube x हो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि sin cube x हो, तब हम क्या कर सकते हैं, 3 sin x minus sin 3x upon 4 कर सकते हैं। आज tan cube x टाइप के फंक्शन जब होंगे तो उनको कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे, बट इससे पहले ये सीखना है कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कोई और टाइप क्या हो सकता है। तो अगला टाइप सीखते हैं कि कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को बेसिकली इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम, इसमें ऐसा हो सकता है कि लिखा हो कि साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, इस तरह का। तो अगर ऐसा हो कोई फंक्शन तो इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने पे 2 साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, तो साइन एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस साइन एम माइनस एन इंटू एक्स, एम माइनस एन इंटू एक्स, साइन एम माइनस एन इंटू एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा ऐसा, इस तरह से हम इसको लिख सकते। इसी तरह से अगर cos mx और sin nx हो, cos mx और sin nx हो, cos mx sin nx, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by 2 sin m plus n into x minus sin m minus n into x। अगर आपके पास ऐसा हो कि cos mx cos nx हो, तो क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 by 2 cos m plus n into x plus cos m minus n into x। अगर आपके पास ये हो sin mx sin nx, तो आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना चाहिए cos m minus n into x माइनस कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर फंक्शन हो प्रोडक्ट में तो उसको इंटीग्रेट करने का ये तरीका है। ऐसे इंटीग्रेट करने का हमारे पास अभी तक कोई आगे मिलेगा, कुछ ना कुछ आइडिया तो मिलेगा आगे, लेकिन अभी जब दो फंक्शन प्रोडक्ट हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये बात अभी हमें पता नहीं है। तो इसलिए अभी अगर ऐसा प्रोडक्ट वाला कोई चीज आ जाए तो हम उसे कैसे करेंगे ये सीखते हैं। इससे कि साइन एम एक्स साइन एन एक्स अगर ऐसा कुछ हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। इस तरह के ये चार बातें आपको याद रखनी चाहिए, और ये बात याद रखे रहेगा तो जैसे ही कोई इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि हमें यही करना है, इसके सिवाय कुछ और नहीं करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है साइन 4x कॉस 2x। अब इस क्वेश्चन को देखें, साइन a कोसाइन mx कॉस nx के फॉर्म में है, सो हम क्या लिख सकते हैं, अभी जैसा मैंने बताया था इसको लिख सकते हैं साइन 4x प्लस 2x, राइट। अभी ये समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख सकते हैं साइन 4x माइनस 2x, राइट, और dx, ये dx लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसा क्या हो जाएगा, 1 by 2 साइन 6x प्लस साइन 2x dx। साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन 6x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x, और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी cos 2x divided by 2 plus c, मतलब ये हो गया
माइनस वन बाई टू कॉस सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस कॉस टू एक्स बाई टू प्लस सी, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो अभी इसको इंटीग्रेट करने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म किया तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया बड़े ही आसानी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हमने इस फंक्शन को बदला, यहाँ पे ये प्रोडक्ट था, क्या था ये, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैट्रिक फंक्शन था ये, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं था। हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। बेसिक तरीका यही है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अगर सिंस क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, निश्चित रूप से ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब चूंकि 2 था नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन आज ये है कि इंटीग्रेट, ये क्वेश्चन है साइन 4x साइन 2x। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो क्या करें इसको। अब ये साइन साइन हो गया तो आपको आखिरी वाला पैटर्न कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद हो तो ये साइन एम एक्स साइन एन एक्स, यानी कॉस एम माइनस एन इंटू एक्स माइनस कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स, ये वाला लगेगा। तो हम इसको लगाते हैं, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिख देंगे, कॉस 4x माइनस 2x माइनस कॉस 4x प्लस 2x, ठीक है ऐसा। तो ये हो गया कॉस 2x माइनस कॉस 6x dx। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x बाई 2 एंड यहाँ पे हो गया साइन 6x बाई 6 प्लस सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेट कॉस 3x कॉस x dx। इसको भी अगर हम फॉर्मूले में चेंज करें तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 कॉस कॉस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला m प्लस n प्लस कॉस m माइनस n। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कॉस 3x प्लस x। अब थोड़ी समझ में आ गया है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉस 4x प्लस कॉस 3x माइनस x यानी कॉस 2x dx। अब बारी बारी से दोनों पे अगर लगाएंगे तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन sin और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, यहाँ पे भी sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c, ये हो गया आंसर। तो आप देख रहे हैं कि हर एक जो क्वेश्चंस हैं इस तरह का, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो बेसिक फॉर्मूला याद रखने से ही ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है cos 5x cos sin x ऐसा कुछ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा, cos sin किस में आता था, याद है आपको cos sin किस में आता था, कॉस साइन साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले में। तो ये साइन एक्स है कॉस एक्स कॉस फाइव एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको अब लगा देंगे क्या, ये लिख सकते हैं हाफ कॉस कितना साइन सी माइनस साइन डी, अर्थात ये होगा साइन फाइव एक्स माइनस एक्स दैट इज 4x माइनस साइन 5x पहले प्लस फिर माइनस, है ना। तो ये हो गया dx, ये हो गया कुछ इस तरह का कि 1 बाई 2 साइन 6x माइनस साइन कितना 4x dx। तो ये लिख दिया 1 बाई 2 साइन का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस सिक्स एक्स बाई सिक्स, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कॉस फोर एक्स बाई फोर प्लस सी। आप चाहे थोड़ा बेहतर लिखने के लिए तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, वन बाई टू और कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, या पॉजिटिव टर्म को पहले और निगेटिव टर्म को बाद लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, और ये हो जाएगा कितना कॉस फोर एक्स बाई टू माइनस कॉस सिक्स एक्स बाई थ्री प्लस सी आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को जो इस पैटर्न के होंगे सबके हमने एक एक एग्जाम्पल लिए, इस तरह से कर सकते हैं। एक तो और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इनका कोई और टाइप का हो, जरूरी है कि ये मल्टीपल एंगल ही हो, ये सब मल्टीपल एंगल भी हो सकते हैं, लाइक ऐसा कॉस सेवन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू लाइक दिस, चाहे एक्स बाई थ्री कुछ ऐसा, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस साइन है यानी साइन सी माइनस साइन डी के पैटर्न का है, तो इसको आप लिख देंगे क्या साइन सेवन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू साइन एट एक्स बाई टू दैट इज फोर एक्स, एंड माइनस साइन सेवन एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू साइन थ्री एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस फोर एक्स बाई फोर, और यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, कॉस थ्री एक्स बाई थ्री प्लस सी आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी माइनस चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन और ले इस तरह का तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं, ऐसा कुछ कि साइन एक्स बाई थ्री साइन एक्स बाई थ्री एंड साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चूंकि दोनों साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बड़े वाले जब दो ऐसा फंक्शन हो दोनों में तो यूजुअली क्या करना चाहिए कि बड़े वाले x by 2 बड़ा है x by 3 से कि x by 3 बड़ा है, x by 3 छोटा है x by 2 बड़ा है, तो इसको इधर समझ लेते हैं और इसको इधर समझ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन में माइनस की गड़बड़ी नहीं होगी। सो व्हाट आई कैन राइट हियर कि 1 by 2 इसको अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं 1 by 2 क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, कॉस में आता है ये कॉस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री, एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री, जरा देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स बाई सिक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स बाई सिक्स, और प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा थ्री एक्स प्लस टू एक्स फाइव एक्स बाई सिक्स यानी कॉस फाइव एक्स बाई सिक्स डी एक्स। डरना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, और ये लिखने के बाद क्या मिलेगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई सिक्स डिवाइडेड बाई वन बाई सिक्स, और यहाँ पे साइन कॉस का फाइव एक्स बाई सिक्स और एक्स का कोएफिशिएंट है फाइव बाई सिक्स, यानी ये जो होगा वो सिक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन बाई दोनों में सिक्स मल्टीप्लाई होगा और वो सिक्स बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर आके क्या हो जाएगा थ्री, तो आंसर हो जाएगा थ्री, और यहाँ पे साइन एक्स बाई सिक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा वन बाई फाइव, वन बाई फाइव ठीक है साइन फाइव एक्स बाई सिक्स, फाइव एक्स बाई सिक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इन सब क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। एक और एग्जाम्पल ज्यादा क्लैरिटी के लिए ले लेते हैं, और उम्मीद है कि इसके बाद आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस एज हमने ले लिया इसको cos 5x by 6 cos 3x by 4 dx, ये cos cos है तो आपको वही करना होगा 1 by 2 से डिवाइड और 1 by 2 से मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा cos cos है तो पहले क्या होगा cos c plus cos d यानी cos 5x by 6 plus 3x by 4 एंड प्लस कॉस फाइव एक्स बाई सिक्स माइनस थ्री एक्स बाई फोर। आप देखिए किसको पहले किसको बाद में लिखे, बड़े वाले को पहले लिखते हैं, अगर आपने यहाँ देखिए क्या मिलेगा कॉस एलसीएम 12 हो जाएगा, सो ये हो गया 12, ये हो गया 10x प्लस 9x यानी
नाइनटीन एक्स बाई ट्वेल्व, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई ट्वेल्व, है ना, टेन एक्स माइनस नाइन एक्स, एक्स बाई ट्वेल्व, और ये हो गया डी एक्स। अब इसमें से हम करें कॉस का इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, साइन 19x बाई 12, 19x बाई 12 डिवाइडेड बाय 19 बाई 12, उसको हम 12 बाई 19 भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे साइन x बाई 12 डिवाइडेड बाय 1 बाई 12, दैट इज 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 बाई 1 बाई 12 इज 12 बाई 1 इन्यूमरेटर, ये हो जाएगा x बाई 12 और प्लस c। तो इस तरीके से 12 को अगर बाहर कॉमन ले लिया जाए तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 by 19 sin 19x by 12 plus sin x by 12 plus c आंसर। तो इस तरीके से इन सब प्रकार के क्वेश्चंस में आप ट्रांसफॉर्मेशन करके क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल एंगल हो चाहे वो सब मल्टीपल एंगल हो, ये 5 by 6 और 3 by 4 देख के डरना नहीं है, जो भी हो कोई भी हो टर्म, चाहे रैशनल फंक्शन है किसी भी तरह का, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं। और इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने इसको क्या कर लिया, ये चूंकि हमें पता है कि 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b होता है cos a plus b plus cos a minus b, यही हमने इस्तेमाल किया है और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। और इसको अब आप जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि ये जो एक स्टेप है दिस कैन बी स्किप्ड, इट कैन बी डन ओरली, इवन दिस कैन बी स्किप्ड, ठीक है, ये भी ओरली आप स्किप कर सकते हैं, यहां से सीधे लिख सकते हैं, दोनों को प्लस करके ही आएगा। और ये वाला टर्म लिखने के साथ आपको आइडिया लग जाएगा दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि ये चीज ऑप्शन में दिया होगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा। तो एक यही टर्म जो है वो आपको लिखने की पड़ेगी, ये ऑप्शन में लिखा होगा, आपको आइडिया लग जाएगा, यानी सिर्फ एक स्टेप आपको लिखने की जरूरत होगी मुश्किल से, या वो भी आप देख करके, अगर ओरल कैलकुलेशन में आप बेहतरीन हैं, आप ओरल कैलकुलेशन में मास्टर हैं, तो ये भी कर सकते हैं, आप डिवाइड दे जाएगा कि ये 19 बाई 12 होगा, तो यही 19 बाई 12 यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉस का फंक्शन है तो आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा, यानी दोनों कॉस है तो आंसर दोनों साइन में होगा। तो अगर ऑप्शन दिया हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर कैसे लिखोगे ये बात हम बताने जा रहे हैं। जैसे ये आपको पता चल गया कि दोनों कॉस में है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कॉस कॉस होगा, कैसे कॉस कॉस होगा इस बात को पहले हम बता देते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं, आइए हम पिछली स्लाइड पे एक बार फिर बात करते हैं। इसमें ये देखिए साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ऐसा है साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ऐसा है। इसका मतलब है कि अगर साइन कॉस कॉस साइन हो फिर कॉस कॉस साइन साइन हो, तो पहले साइन का प्लस वाला आता है, फिर साइन का माइनस वाला आता है, फिर कॉस का प्लस वाला और कॉस का माइनस वाला, ये दिमाग में अगर रहे हमारे स्टोर, ये बात समझ में आ जाए कि ऐसा करने से, तो हम कह देंगे कि पहले साइन कॉस है तो ये क्वेश्चन होगा साइन साइन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद, अब क्वेश्चन चूंकि साइन साइन में होगा तो आंसर किस में होगा, कॉस कॉस में, तो आप यहां से सीधे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर किस में होगा, कॉस कॉस में आंसर होगा, कॉस के फंक्शंस होंगे, एक बार दोनों का एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार दोनों का एडिशन होगा यहाँ पे और एक बार सब्ट्रैक्शन होगा, तो आंसर सीधे क्वेश्चन देखें और आप आंसर लिख पाएंगे कि साइन कॉस है तो आंसर होगा कॉस कॉस में, एक बार दोनों का ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ एंगल्स एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स, राइट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये कर देंगे। इसी तरह से यहां अगर आपको पता चल गया कि कॉस कॉस में फंक्शन है तो कॉस कॉस में होने से क्या होगा, साइन साइन में आंसर आएगा, यहाँ पे कॉस कॉस में फंक्शन है तो ये हो गया कॉस कॉस आएगा, इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर आएगा साइन साइन में, साइन 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 में इसका आंसर आएगा,
तो ऑप्शन में अगर कोई साइन कॉस का ऑप्शन दिया है तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, दोनों साइन साइन में ही आएगा। ठीक है, एक बार पता चल गया, इससे आधे ऑप्शन इजीली रिजेक्ट हो जाते हैं और बचे हुए जो दो ऑप्शन होंगे उनमें एंगल प्लस और माइनस का, ये प्लस माइनस साइन से सिर्फ फर्क होगा, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि जो प्लस वाला होता है वो वाला आंसर आप लिख सकते हैं, यानी बिना किसी कैलकुलेशन के आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से साइन साइन है तो इसका आंसर क्या है, कॉस कॉस, यानी जब सेम हो, कॉस कॉस हो साइन साइन हो तो आंसर किस में आएगा, साइन में ही आएगा। तो आप क्यों नहीं याद कर लेते कि सेम फॉर साइन डिफरेंट फॉर कोसाइन, सेम फॉर साइन एंड डिफरेंट फॉर कोसाइन, ऐसा अगर हम याद कर ले कि सेम फॉर साइन सेम, तो आंसर किस में आएगा, साइन में। डिफरेंट फंक्शन हो तो आंसर किस में आएगा, कोसाइन के फंक्शन में। तो ये हो गया साइन के फंक्शन और कोसाइन के फंक्शन में आंसर आएगा साइन कॉस। सिंपल से छोटा छोटा नाम लिखते हैं, बड़ा बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन है, ये ध्यान से देखें कि फंक्शन अगर ऐसा है, फंक्शन इसमें है तो आंसर इसमें आएगा। ठीक है, और साइन के हिसाब से हम कुछ आंसर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब चलिए इस बात को भी थोड़ा सीख लेते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब ये लिखा है, आप देखिए ध्यान से, साइन 4x कॉस x dx। अभी क्या हुआ, ये सेम है कि डिफरेंट है, कोई भी आदमी कह देगा कि ये तो डिफरेंट फंक्शन है, तो डिफरेंट फंक्शन है तो आंसर किस में आना चाहिए, कॉस में। अब इसके चार ऑप्शन अगर दिए जाएं, मान लीजिए कि इसके चार ऑप्शन दिए जाएं, ऑप्शन ए इज कॉस, ऑप्शन ए इज कॉस 5x/5, ऑप्शन बी कॉस 3x/3, राइट, ऑप्शन बी 1/2 लिखा है, प्लस सी ऑप्शन बी 1/2 कॉस 5x/5 माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी, ऑप्शन सी यहां पे लिखा है साइन 5x/5 माइनस साइन 3x/3, राइट, ऑप्शन ये ऑप्शन है प्लस सी, एंड ऑप्शन डी लिखा है 1/2 साइन 3x/3 माइनस साइन साइन 5x/5, ऐसा कुछ। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन देखते ही कि यहाँ पे क्या होना है, ये सेम साइन है, साइन कॉस डिफरेंट है तो आंसर किस में आएगा, कॉस में आएगा। तो आप ये समझते ही कि आंसर कॉस में आएगा, आप इस आंसर को तो रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी 50% आंसर तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। अब देखना यह है कि ये बड़ा फंक्शन है, साइन पहले है और कॉस बाद में है, तो ध्यान दीजिए, देखिए साइन पहले कॉस बाद में हो तो पहले साइन का प्लस होता है, फिर साइन का सब में पहले प्लस होता है एक्सेप्ट कॉस वाले में। तो आप इस हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, सीधे आके यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले प्लस वाला होगा फिर माइनस वाला होगा, तो 4x + x 5x होगा, और फिर 4x - x 3x होगा, और बीच में साइन क्या होगा, प्लस का, तो ये प्लस माइनस का साइन डिफरेंशिएट कर देगा और बिना किसी कैलकुलेशन के आप आंसर लिख पाएंगे कि 9th क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ए के सिवाय कुछ और नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ओरली कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बड़े ही प्यार से कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कॉस एक्स कॉस 7x डीएक्स। अब ये थोड़ा घुमाने के लिए है कि यहाँ पे बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन अदला बदली किया हुआ है, तो आप अपने दिमाग में समझ लें इसके ऑप्शंस, मान लीजिए कि ऐसा है, ऑप्शंस इसके मैं लिख दूं, तो ये होगा साइन 6x/6 माइनस साइन 8x/8 हाफ प्लस सी। बी ऑप्शन है कुछ इस तरह का, साइन 8x/8 माइनस साइन 6x/6 प्लस सी हाफ, यहां पे भी लिखा हुआ है, राइट। तीसरा ऑप्शन है कुछ इस तरह का कि कॉस 8x/8 प्लस कॉस 6x/6
वन बाई टू प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है डी क्यों वन बाई टू साइन एट एक्स बाई एट माइनस प्लस साइन सिक्स एक्स बाई सिक्स प्लस सी। अब आपको क्या आंसर लिखना चाहिए? तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन जो है कॉस कॉस है, कॉस कॉस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, तो आपको ये आइडिया आ गया देखते ही कि आंसर किस में होना चाहिए, सेम फंक्शन है तो आंसर साइन में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें कि आंसर साइन में होगा, और बड़ा में से छोटा जाएगा, सेवन एक्स माइनस सिक्स, तो क्या बचेगा सिक्स, पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा। ये बात कैसे पता चलेगी? आपने फॉर्मूला याद रखने के प्रॉमिस किया तो है कि यहाँ पे पहले माइनस करेंगे, पहले माइनस होता है और बाद में प्लस होता है। इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन सेवन एक्स माइनस एक्स सिक्स एक्स, तो साइन में आंसर आएगा सेम फॉर साइन डिफरेंट फॉर कोसाइन, तो पहले साइन सिक्स एक्स बाई सिक्स आएगा, यानी साइन में आंसर आएगा, और साइन में क्या होगा कॉस में पॉजिटिव वाला होगा। तो इनमें से यहाँ पर कोई भी ये चीज आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में क्या है माइनस, और यहाँ पे ये आंसर नहीं है क्योंकि ये बीच में क्या है माइनस, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। और आंसर चूंकि हमें पता है कि सेम फॉर साइन आंसर आता है, ये आंसर कॉस में है तो ये भी आंसर नहीं है, इसका मतलब आंसर यही होगा, इसके सिवाय कुछ और नहीं होगा। अब आपको लग रहा हो कि पहले तो छोटा वाला आना चाहिए, लेकिन ये तो प्लस में है, और प्लस में है तो कौन पहले कौन और बाद में कौन, ए प्लस बी और बी प्लस ए में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए आंसर यही होगा। हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया फिर भी हमने आंसर लिख दिया। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब करें तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें और क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये है कि लिखा है फोर टू कॉस फोर एक्स एंड साइन सिक्स एक्स, ऐसा कुछ। तो ये जब लिखा है तो इसके ऑप्शंस में क्या ट्रिक हो सकते हैं और क्या दिए जा सकते हैं, आपको ये पहले ही खुद समझना चाहिए कि ये क्या है साइन सिक्स एक्स पहले है और कॉस बाद में है। हमेशा जब भी ऐसा हो बड़ा फंक्शन को पहले और छोटा फंक्शन को बाद में कर लेना चाहिए, इसको इधर ले जाना चाहिए और इसको इधर ले आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें माइनस का चक्कर नहीं रहेगा, तो ऐसा करने से ये मिलेगा साइन सिक्स एक्स साइन कॉस, साइन कॉस में साइन का पॉजिटिव वाला आता है और साइन का पॉजिटिव वाला आता है तो आंसर किस में आता है कॉस में। तो ये बात पता चल गया कि कॉस में आंसर आएगा, तो कॉस में आंसर क्या क्या ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे आपके सामने मैं ऑप्शन बना रहा हूं, देखिए कॉस आंसर में कॉस टेन एक्स बाई टेन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू प्लस सी, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कॉस एट एक्स कॉस टू एक्स बाई टू माइनस कॉस टेन एक्स बाई टेन प्लस सी, तीसरा ऑप्शन हो सकता है कॉस टेन एक्स बाई टेन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू प्लस सी, चौथा ऑप्शन हो सकता है साइन 10x by 10 plus sin किसमें sin 2x by 2 plus c। अब आपको पता है कि चूंकि आपने सीख रखा है कि सेम फॉर साइन एंड डिफरेंट फॉर कोसाइन, तो आंसर किसमें आएगा, डिफरेंट फंक्शन है तो आंसर कॉस में आएगा, साइन पहले है तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, तो बीच में पॉजिटिव साइन सिर्फ इसी में है, ये दोनों तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए क्योंकि दोनों में बीच में क्या है माइनस साइन है, और ये वाला चूंकि आंसर हमारा डिफरेंट है सेम फॉर साइन एंड डिफरेंट फॉर कोसाइन, ये डिफरेंट है तो आंसर कॉस में आएगा, साइन में आएगा नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यही होगा, इसके सिवाय कुछ और नहीं होगा। और क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बिना कुछ किए हमने एक रीजनिंग बेस्ड आंसर कर दिया, एक रीजनिंग बेस्ड कैलकुलेशन किया जिसके आधार पे हमने आंसर लिख दिया बिना कुछ किए। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आते हैं तो उसको करने का क्या तरीका है, स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्कूल में करने का क्या तरीका है, शुरुआत के कंसेप्ट में वो बात भी बता दी गई और बाद के कंसेप्ट में ये बात भी बता दी गई।
तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कहीं पे भी बिना कुछ किए भी कर सकते हैं, बिना कुछ पेन पेपर का इस्तेमाल किए क्वेश्चन देखो आंसर लिखो टेक्निक से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया होगा आपको, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा और आप सीख पाए होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज डू राइट टू अस एट arvindsinghacademy@gmail.com। हमें खुशी होगी आपकी सवालों का जवाब दे करके, ठीक है, निश्चित रूप से हम जवाब देंगे। सो गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दे विल ऑल्सो इक्वली गेट बेनिफिटेड। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस।